बिजली की बढ़ती समस्या ने पूरे प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं की नींद तो उड़ा दी, लेकिन बिजली ने भाजपा के विधायकों को भी नहीं छोड़ा है। उमरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त बिजली समस्या पर भाजपा के विधायक ने असंतोष प्रकट किया है और ज्ञापन सौंपकर सरकार से समस्या के निदान की मांग की है। उमरिया जिले के शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र की बिजली की बढ़ती समस्या का सामना हर कोई करने के लिए मजबूर है। वही भारी भरकम बिल तो कहीं महीने से जल ट्रांसफर इस बात के गवाह बनते जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महीने से इस विकट समस्या को लेकर बांधवगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक ने कहा कि बिजली की समस्या हर जगह है। मेरे क्षेत्र में कम से कम 50 ट्रांसफार्मर जले पड़े हैं, जिसके लिए मैंने खुद शिकायत की, मगर समस्या तस की तस बनी हुई है। मतलब वर्षा हो ही नहीं रहा है और न होने के कारण हमारे किसान भाई थरहा रोप दिए हैं और रोप तो दिए उसके कारण भी ट्रांसफार्मर आज ये स्थिति है कि ट्रांसफार्मर मेरे क्षेत्र में 50 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। ट्रांसफार्मर उमरिया जिले को मिल नहीं पा रहा है, दो चार तो आप ये स्थिति समझ रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है। जो पहले पहुंचेगा उसको ट्रांसफार्मर वहाँ लगा देते हैं, शिफ्टिंग कर देते हैं, जिससे जिनको पहले 7-7, 8-8 माह से मंडल के उपभोक्ता से बात नहीं करते हैं। उपभोक्ताओं के पास बिल एक बत्ती कनेक्शन वाले के 23,000-25,000 के बिल आ रहे हैं, उसके लिए आप अधिकारियों से क्या बात की? अभी मेरी इस संबंध में कोई बात नहीं हुई। जो बिजली वाली बताए आपने अधिक बिल लेने की, ये आपके द्वारा मुझे संज्ञान में लाया जा रहा है। इसके लिए मैं अभी पुनः कलेक्टर साहब से बात करूंगा, कलेक्टर साहब को बोलूंगा कि जो बिजली क्यों शिकायत आ रही है कि हम कम बिल के बाय हम ज़्यादा बिल उपभोक्ता से क्यों वसूली कर रहे हैं। उमरिया से राशि मिश्रा की रिपोर्ट।